आपके मन में एक ही ख्याल बार बार आता है, नेगेटिव विचार बार बार आते हैं, जानिए कैसे डील करें। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यह बीमारी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन मतलब बार 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 वही विचार आना, कंपल्शन मतलब उसके ऊपर कृति करना, एक्शन करना। मतलब ये व्यक्ति को बार 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 ऐसा विचार आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ खराब है, ऐसा विचार आता है। फिर वो विचार आता है, बार 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 विचार आएगा, फिर जान दो एक बार धो के आता हूँ, फिर जाएगा और धो लेगा, फिर आएगा, फिर विचार आएगा कि मेरे हाथ गंदे हैं, फिर धोना चाहिए, फिर जाएगा, फिर हाथ धोएगा, फिर आएगा, फिर ऐसा लगेगा उसको कि नहीं मेरे हाथ गंदे हैं, या मैं 3 बार हाथ जाके धो लूँ तो मेरे हाथ साफ हो जाएंगे। फिर वो जाता है और 1 बार 3 बार धोता है, वापस आता है, फिर 3 बार तो हो गया, फिर वो उसके दिमाग में चल रहा था कि 3 बार ऐसे 3 बार करूँ तो मेरे हाथ साफ हो जाएंगे, यानी कितने हो गए, 9 बार हो गए, 3×3। इस तरह की बीमारी होती रहती है। उनको नकारात्मक विचार आते हैं कि इसको मार डालूं, काट डालूं, गला घोट डालूं, बच्चों को मारूं, ऐसे कोई विचार आते हैं। गंदगी के विचार आते हैं कि भाई अपनी गंदगी हुई है, अपने शरीर में गंदगी है, पेशाब करके आया तो 25 बार हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, लेट्रिन करके आएंगे तो 25 बार हाथ पैर धोएंगे, ड्रम ड्रम पानी जो है वो फेंक देंगे, स्नान करने के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे ऐसे लगा देंगे, कभी कभी 4-4 घंटे लग जाते हैं। पूजा पाठ करेंगे, 2-2 घंटे पूजा करते बैठते हैं, भगवान को धोते रहते हैं और पूजा करते, तुमको समाधान नहीं होता है। बार बार जमीन पोछना, घर पोछना, घर साफ करना, चीज़ें वहीं की वहीं रखना, फिर खुद की स्वच्छता बहुत ज़्यादा रखना, किसी को हाथ लगाने देना नहीं अपने कपड़ों को या अपने चीज़ों को, ऐसे बार 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 विचार उनके सेक्स के विचार आएंगे। हो सकता है कि उनको फिजिकली अब्यूज़ किसने किया हो, ऐसा कुछ से भी ट्रामा बैठा हो, मेंटल ट्रामा, फिजिकली किसने अब्यूज़ किया हो, शारीरिक अत्याचार या लैंगिक अत्याचार किया, उससे भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए हम ये पेशेंट लोगों को कैथारसिस करवाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या हुआ दिमाग में वो निकालते हैं और वहाँ से फिर उसका इलाज करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का। अभी हम काउंसलिंग जब करते हैं तब क्या करते हैं, नंबर एक हम उनको बोलते हैं कि भाई ये जो बार 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 विचार आ रहे हैं इसका स्वीकार करो, एक्सेप्ट दैट इट इज़ एन इलनेस, ये एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि बीमारी है और ये बीमारी मुझे हुई है। स्विच ऑन हो गया है विचारों का, अभी स्विच ऑफ करके विचार बंद होते नहीं है, स्विच ऑन तो कर लिया, अभी स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, वो मैकेनिज्म खराब हो गया। नंबर दो, उनको रिलैक्सेशन सिखाओ, हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, ये जब करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो रिलैक्सेशन थेरेपी। नंबर तीन, इनको ये हम सिखाते हैं कि भाई रोकने की कोशिश मत करो, आप जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा वो वहीं के वहीं रहते हैं, या बहुत ज़्यादा और डबल स्पीड से आते हैं। वट एवर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट, रोकने की कोशिश नहीं करना है, स्वीकार करना है। नंबर चार, एक्शन नहीं करना उसके ऊपर, मतलब विचार आता है कि मैंने हाथ धोना चाहिए तो उसके ऊपर जो विचार आता है कि हाथ जाना और धोना, तो एक्चुअली वो कृति करनी पड़ती है, वो कृति करने से अपने आप को रोक देना, कृति नहीं करना है। नंबर पाँच, किसी से तुलना मत करो, ये तुलना करने वाले लोगों को और परफेक्शनिज्म वाले लोगों को ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, तो तुलना करने का नहीं है और परफेक्ट होने के चक्कर में लगने का नहीं, अति अत्सुकता एकदम परफेक्ट चीज़ होना चाहिए इसमें नहीं लगने का, वो लोगों को ज़्यादा चांस है ऐसा होने का। नंबर छः, डर का सामना करें, इसका मतलब आपको यदि कंपल्शन है कोई चीज़ का, ऑब्सेशन है कोई चीज़ का, डर लगता है ऐसा कुछ हो जाएगा, उसका सामना करना है, कन्फ्रंट करना है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब मेरी दिमाग की उपज है, ऐसा कोई होने वाला नहीं, उसका सामना करेंगे जाके तो आपको मालूम पड़ेगा कि फालतू क्या है, फालतू विचार आ रहे हैं। इसमें जो दवाइयाँ हैं ये भी काफ़ी कारगर होती है, जैसा SSRI है, फ्लॉक्सिटिन, सर्ट्रालिन, एसिटालोपराम, पैरोक्सिटिन, ऐसी दवाइयाँ SSRI वो हम देते हैं, क्लोमीप्रेमिन दवाई है, ये स्पेशली एंटी ऑब्सेसिव है, एंटी डिप्रेसेंट है और इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। रेस्पिरेडॉन एकदम लो डोज में हम देते हैं, उससे भी फायदा हो जाता है। तो ये दवाई के साथ साथ जब हम उनको साइकोथेरेपी देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, हिप्नोथेरेपी देते हैं, तो उसका फ़ायदा जरूर होता है। ये जो है ना, ये इतने बिजार है, बिजार सिम्टम्स है। अब बार बार एक व्यक्ति था, बार बार उसको विचार आ रहा है कि मैं सेक्स ही नहीं कर पाऊँगा, अभी शादी नहीं हुई, क्यों चिंता कर रहा है सेक्स नहीं कर, विचार आ रहा है कि बार बार मैं सेक्स नहीं कर पाऊँगा, तो फिर जा और जाके टेस्ट कर ले,
मैंने एक बार टेस्ट किया और वो फेल हुआ। क्यों? क्योंकि विचार ही आ रहा है कि मैं सेक्स नहीं कर पाऊंगा, गया तो फेल ही हो गया, अब कैसा करना। अब घर के लोग प्रेशर कर रहे शादी करो शादी करो, इसके मन में विचार आ रहे कि मैं सेक्स नहीं कर पाऊंगा, एक्चुअली है कुछ नहीं। बार बार ये लोग लॉक चेक करते हैं, बार बार लॉक चेक करेंगे, बार बार दरवाजा बंद करेंगे, बार बार दरवाजा बोल्ट करेंगे, बार बार फर्शी धोएंगे, ये गंदगी उनको अच्छी लगती नहीं है, तो कोई मर गया है वहाँ से, कोई वापस आ गया मतलब अंत यात्रा करके या हॉस्पिटल में से वापस आया, तो फिर तो ये तो वायलेंट हो जाते हैं कि पहले बाहर चप्पल निकालो, बाहर कपड़े निकालो, सब धो डालो, उसके से अंदर आने का नहीं। इनके बर्तन साफ सफाई होना मतलब स्वच्छता बहुत ज़्यादा होना, तो ऐसे लोग खुद भी परेशान रहते हैं और लोगों को भी परेशान करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सब तरह की दवाइयाँ सब थेरेपी देने बाद में भी कुछ फ़ायदा होता नहीं है, ऐसे समय हम उनकी सर्जरी भी कर सकते हैं, ब्रेन सर्जरी। पहले हम शॉक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, हालांकि इलेक्ट्रोकन्वल थेरेपी इज़ नॉट रिकमेंडेड, मतलब इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं किया हुआ कि दे दो, मगर ऐसा होता है कि कभी कभी वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी इंसाइट नहीं रहती है, उसको खुद को समझता नहीं कि मेरे को बीमारी है करके, मगर सब तरह की तकलीफ रिलेटिव को हो जाती है, इतनी कि वो मुश्किल है सबको घर में रहना। ऐसे समय फिर हमको शॉक ट्रीटमेंट भी देकर देखना पड़ता है, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ फायदा। दूसरा का उसका इलाज है, 100 में से 1 लोगों को कम से कम ये होता है ऐसा अनुमान है, और कुछ ना कुछ रूप में सभी को है, और सभी को मतलब उनकी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है, उनका व्यक्तिमत्व जो है वो ऑब्सेसिव है, परफेक्शनिस्टिक पर्सनैलिटी है, और ये लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो संभल के रहना, एक्नॉलेज करना कि भाई मेरी पर्सनैलिटी जो है वो ऑब्सेसिव है या डिप्रेसिव है, और फिर जितने भी प्रिकॉशन लेना है कि भाई अपन बार बार नहीं कर सकेंगे, उसमें उसको एक्नॉलेज करके वहाँ अपने को प्रिवेंट करने का है, तुरंत एक्नॉलेज करने के, अरे भाई बार बार विचार चालू हो गया बाजू करो, उसको देखने का नहीं, उसको महत्व देने का नहीं। ऐसे इस तरह का प्रैक्टिकल लाइफ आप जिएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा ये बीमारी से होता है। ये बीमारी के साथ साथ एंग्जाइटी भी होती है बहुत लोगों को, डिप्रेशन भी होता है, परेशान हो जाते हैं, तो इसका इलाज है, इलाज कर सकते हैं, जितना जल्दी लाएंगे इलाज करने के लिए उतना अच्छा है। बोलते नहीं नहीं है तो क्या पागल हो गए क्या, पागल रहा तो ले जाएंगे डॉक्टर के पास में, अभी क्यों करना है, अभी पागल थोड़ी है, मगर ये पागलपन की निशानी है, एक तरह का पागलपन है, तो उसका इलाज जल्दी करना जरूरी है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।